नमस्कार दोस्तों, यमुना में स्वागत। अंग्रेजी में लिखा है वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदी में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आपका स्वागत। अब भगवान जाने स्वागत कैसे, सड़क तो चेंज हो गई। चलो चलो चलो, ग्रेटर नोएडा से मारो जंप आगे। टूटी फूटी सड़क से हम आगे सोने की सड़क पे, देखो दुनिया वालों, ये आगे जी जहाज लैंड हो गया, मलाई जैसी सड़क है। अब आपने छोले भटूरे खाए हैं या परौंठे खाए हैं, आपके पेट का पानी नहीं हिलेगा। थोड़ा सा नजारा लो, आप यमुना के अंदर आ चुके हैं। ये एनआरआई सिटी आ गई। ये एनआरआई सिटी थी, आप पता नहीं कौन, माया देवी की। माया देवी, अच्छा इसके भाई की है। हाँ। जिसने परी चौक पे भी बनाया है एसडीएस गोल्फ व्यू वाला प्रोजेक्ट, उसी के ये प्लॉटिंग है। 250 एकड़ में है ये एनआरआई सिटी, पूरी की पूरी खाली है ये भाइयों बहनों, खाली। ये पूरा जंगल है और इसका रेट 30,000 को टच किया, 40,000 को टच किया। अभी क्या रेट है सर? अभी 20,000 रुपया गज, गज का रेट है यहाँ पे। और खाली है, जिसके पास फालतू नोटों की बोरी है तो ले लो एनआरआई के अंदर, पूरी खाली। पर सर एक बात है, इसके भी दिन फिरेंगे फिरेंगे जिस दिन इसमें कोठियां बननी शुरू होगी 1,00,000 को टच करेगा ये। लोकेशन बहुत अच्छी, हाँ लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी। देखो भाइयों बहनों, अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, चलो पैसे को छोड़ो, अगर आप दिवाली वाले दिन जुआ खेलने के शौकीन हो तो दिवाली वाले दिन जम के जुआ खेलो। और मान लो दिन करोड़ रुपए कमा लिया तो यहाँ 5 प्लॉट घेर दो लेके। क्यों जी? पैसे मत करो, जुए के पैसे से एनआरआई में प्लॉट लो, और अगर आपकी खून पसीने की कमाई है फिर हमारे पास आओ, वो हम बताएंगे कहाँ लेना है। ठीक है जी, हम जुए वाले को जुए वाली जगह पे भेज देते हैं और खून पसीने की कमाई को खून पसीने में भेजते हैं। ये हमारा थोड़ा सा स्टाइल है। अब एनआरआई सिटी को विदाई देने जा रहे हैं। देखो बस लास्ट सीन है ये, फिर फिल्म खत्म हो जाएगी, फिर नई फिल्म चालू होगी। हाँ बस एक कोई आदमी है बेचारे ने कोठी बना के छोड़ दी, दरवाजे लगने तक पैसे खत्म हो गए। और यहाँ पे पहले पत्थर लगा हुआ था, अड़ोसी पड़ोसी उतार के ले गए। और ये सफारी सिटी बननी थी, बनी नहीं, पता नहीं कब आएगी। चलिए जी, आप देखिए योगी मोदी का चमत्कार, गडकरी साहब ने ये रोड बना दी रातों रात। इसका नाम है ईस्टर्न वेस्टर्न पैराफिलर रोड। ये पूरा आपका यहाँ से जाती है सोनीपत पानीपत घूम घाम के, उसके बाद ये कोंडली पलवल मानेसर, ये पूरा चक्कर है 250-250 किलोमीटर का। जिस दिन घर में बीवी से लड़ाई हो इस पे गाड़ी डाल दो, 2-4 घंटे बाद यहीं आ जाओगे घूम के। ठीक है जी, तुम्हारी लड़ाई तो होती नहीं, ऐसा ही कह रहा हूँ कि जिस दिन बीवी से लड़ाई हो कोंडली पे चढ़ जाओ इस पे, ईस्टर्न वेस्टर्न पैराफिलर रोड 4 घंटे का सफर है, आराम से घूम घाम के वापस वहीं आ जाओ। नोएडा यूनिवर्सिटी आ गई है ये सर, ये यमुना में है, ग्रेटर नोएडा में है। ये यमुना में, यमुना का एक गहना नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। भाइयों बहनों, अब पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता नहीं इसमें कैसी है, आजकल तो कोरोना लोग घर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बाकी भैया थोड़ा सा ध्यान रखो क्या चल रहा है। यमुना इनके रेट वेट बड़े हाई फाई हैं। देखो जब हम पढ़े थे तो 2,000 रुपये साल की फीस थी, अब 2,000 रुपये का तो आजकल कच्चा नहीं आता है। ऐसी ये गलगोटी है, ये तो आदमी के कपड़े उतार के भेज देते हैं। भैया कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो ध्यान से लेना, पहले 4 सालों के पैसे पूछ लेना हॉस्टल के मिला के, 30-40 लाख का फटका मार देते हैं। और प्लॉट लोगे तो फ्री में करा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 10,000 प्लॉट के साथ बच्चे की पढ़ाई का खर्चा फ्री, ये नई स्कीम हमारी जी। अगर 10,000 मीटर का प्लॉट लोगे तो बच्चे की MBBS फ्री करवा देंगे। बनिए की जुबाना ले लो, बस प्लॉट के रेट हमारे होंगे, बच्चा तुम्हारा होगा, डिग्री करा के भेजेंगे उसे। चलिए जी, मजाक की बातों के बाद आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये यमुना का एरिया है, हम यमुना एक्सप्रेस जो 165 किलोमीटर है उसकी सर्विस लेन पे चल रहे हैं। और यहाँ पे UP 16 नंबर चलता है, आगे मेरे आगे गाड़ी है UP 16 लोकल गाड़ी। जब भी UP 16 मिले तो उसको इज्जत मान दें, उसे सम्मान दें UP 16 को, मतलब सम्मान का मतलब है अपनी गाड़ी दूर रख के चलाएं। ठीक है, लोकल बंदे को सम्मान देना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हम उनकी सरजमी पे गाड़ी चला रहे हैं, UP 16 का इज्जत मान करें। तो मेरी गाड़ियों के नंबर सारे दिल्ली के हैं। ठीक है जी, देखिए जी अभी हम हैं यमुना एक्सप्रेस वे सेक्टर 17 को पार कर रहे हैं। इसी के साथ आएगा वो गांव जहाँ पे हमने LLB के पेपर दिए थे, धनकोर का स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा। रूबी जी नाम बता दो कॉलेज का, क्या नाम है जी? द्रोणाचार्य में रूबी जी ने LLB की, हमने परसंदी देवी से एग्जाम दिए थे द्रोणाचार्य में। चलिए जी, वो भी कॉलेज साथ आ रहे हैं, डिग्री हमने ले ली मेरठ जाके, उसका वीडियो डाल लिया। दोस्तों ये है यमुना एक्सप्रेस वे के बगल वाला एरिया, हम परी चौक से चल रहे हैं। अभी आगे
के बोर्ड आंधी आई थी तो गिर गया धनकौर, तो धनकौर बेचारा नीचे गिरा पड़ा है, धूल चाट रहा है। सॉरी धनकौर यार, मैं आगे तुझे ऊपर चाड़ूंगा। हाँ जी, ये सड़क का कुछ पंगा था, केस हुआ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो सड़क का काम रुक गया। जहाँ भी दुनिया में सड़क का काम रुका हो तो समझ लेना इससे केस फाइल है, ठीक है जी। मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, कहीं भी काम रुका हो तो समझ लो केस लगा हुआ है। अब हम आ गए हैं गरीबों वाली सड़क पे, गरीबों वाली सड़क सर्विस लेन होती है। दोस्तों इस जंगल को देख के डर मत जाना कि हम कहाँ जा रहे हैं। कभी आपको जिम कॉर्पोरेट जाने का मौका मिले, ये उत्तराखंड में है जिम कॉर्पोरेट, हाँ नैनीताल के पास, तो वहाँ भी ऐसा ही माहौल है। बस वहाँ पे जगह जगह पे शेर छलांगे मारते हैं, यहाँ शेर कोई नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, जैगुआर मिल जाएगी आपको घूमती फिरती। तो ये एरिया बिल्कुल घना एरिया है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ईश्वर ना करे अगर आप यहाँ पे आओ जून जुलाई में तो पूरा उजाड़ मिलेगा, क्योंकि जून जुलाई में सारे पेड़ सूख जाते हैं, फिर आंधियाँ चलती हैं, तो आदमी का पाउडर से मुँह लालो लाल हो जाता है। तो मौसम का बहुत रोल है। अभी आप बारिशों के मौसम में हैं तो बड़ा शानदार माहौल है। यहाँ कच्ची कॉलोनियाँ कटती रहती हैं, वो डील करनी है तो सावधानी से करें। ये देखिए लिखा हुआ प्लॉट ही प्लॉट, यहाँ पे आपको घेरने वाले बड़े लोग मिलेंगे कि बाबूजी आ जाओ ले लो प्लॉट, 5,000 रुपये में बीघा, 6,000 में बीघा। देखो खड़े हैं जी प्लॉट बेचने वाले, खड़े हैं जी प्लॉट ले लो प्लॉट ले लो, मैं नहीं लेता प्लॉट, ठीक है जी। अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं जी? अभी 18 सेक्टर चौक पे पहुँच गए। हम 18 सेक्टर चौक पे पहुंच गए दुनिया वालों, यहाँ से 18 यमुना सेक्टर, यमुना शुरू हो गया। ये इसके सामने वो इंटरनेशनल सर्किट है और ये फल है, अगर आप भूखे आए हो तो 1 किलो फल लेके खा पी सकते हो, फिर प्लॉट देखने जा सकते हो। तो सर 18 अब कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ खत्म है? गोल सर्किल क्रॉस करते हैं। हाँ जी सामने राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञानी मदन कासना एंड संस, ये तो कोई एड लग रही है किसी बंदे की। सीधा चल रहा जी, यहाँ से मैप लगा हुआ है झाड़ी के पीछे आ गया। हाँ प्लॉट ही प्लॉट बिक रहे हैं जी, 100 मीटर 50 मीटर भी बिक रहा है। देखो जी जो प्लॉटों वाला मामला होता है ये क्या होता है, प्लॉट कभी जिंदगी में स्लॉट बन जाते हैं। जब भी कोशिश करें हम तो यही राय देते हैं कि ठीक ठाक पैसा है तो सरकारी माल खरीदे, गैर सरकारी से दूर रहें। जैसे एक आपकी अपनी पत्नी होती है, घर वाली, एक बाहर वाली, तो प्लॉट आपके बाहर वाली घर वाली होती है, ये कभी भी धोखा दे सकती है, गच्चा दे सकती है, फंसा सकती है, जेल करवा सकती है। तो चेक करके लें अच्छे से ताकि लाइफ में पंगा ना हो। अभी हमें यमुना एक्सप्रेस वे के साथ वाली सर्विस लेन के ऊपर, सर ये कितने मीटर सड़क होगी? ये 60 मीटर सड़क है। 60 मीटर है जी। अच्छा सर ये सड़क फिर अभी यमुना अथॉरिटी ने बनाई होगी? यमुना अथॉरिटी, पर जब ये रोड मतलब बनी थी तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आगरा तक बनाएंगे सर्विस लेन, पर बीच में शायद फंड की शॉर्टेज हुई थी तो रुक गई थी ये। एनकोटमेंट है बीच में। अच्छा बीच बीच में कुछ पंगा है, जमीन नहीं मिली किसानों से। अच्छा अब ये रोड कहाँ तक जाएगी हमें, कहाँ तक? ये रोड जाएगी रघुपुरा, रघुपुरा तक। तो उसमें कौन कौन से सेक्टर कवर हो जाएंगे हमारे? 18 सेक्टर कवर हो जाएंगे। अच्छा ओके। देखिए जी बीच बीच में थोड़ा सा पेट में रोटी हजम करने का जुगाड़ है, ये लाल चूरन है, ठीक है जी, इससे पेट की रोटी हजम होती है आपकी। थोड़ा सा आगे भी लाल चूरन है, लाल चूरन पे जैसे गाड़ी जाती है तो खाना हजम हो जाता है। रूपी जी धीरे 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 खाना हजम करवाओ जी। ये देख आप मेरे दांतों पे डॉक्टर कौन था, डॉक्टर डाबर लाल दंत मंजन, वो भी सुबह सुबह करे तो दांत मजबूत रहेंगे। अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्टर 18 की 20 की, ये स्कीम आई थी आज से 10 साल पहले 2010 के अंदर, 21,000 प्लॉट एक ही झटके में बेचे थे इन्होंने, दिल्ली NCR के बैंकों में फार्म रखवाए थे तो लोगों ने अप्लाई किया, 21,000 घर एक साथ बिक गए इन घरों के साथ। सीधे सड़क साफ है, सेक्टर 18 में ये JP का स्पोर्ट सिटी है, लेफ्ट नहीं फार्मूला राइट को है, ये लेफ्ट साइड में JP स्पोर्ट सिटी बनेगी। पूरे बोर्ड लग रहे हैं। पहले मैं यमुना की बात करूंगा फिर JP की कहानी पे आऊंगा। तो 10 साल पहले ये लॉन्च हुए, हाथों हाथ बिक गए, इसका तब रेट था मेरे ख्याल से अग्रवाल 4700 रेट था और थोड़ा सा जंप आया 7-8 हजार पे जाके रुक गया, 10 साल तक रेट रुका रहा, अब रेट इसका आ गया 20,000 पे और अच्छा माल 25,000 पे मीटर। और ये मेरे जो उल्टे हाथ में देख रहे हैं JP की स्पोर्ट्स सिटी है, ये
काम जेपी के पास फंड नहीं था, रुक गया कुछ पोर्शन इस ले ले। हाँ जी यहाँ से मुड़ना जी, कुछ पोर्शन इसने ये देखिए जी लिखा हुआ सेक्टर 18 पॉकेट 1A 1B 2B 2C 3A B 3A B C D F A G H I J K L M N O। भैया अंग्रेजी सीखनी है तो यहाँ आ जाओ। चलो जी देखो जी, ये तो नीला आसमान है और नीचे जो फंसने का जुगाड़ है, ठीक है जी, ये सपनों की दुनिया है। ये गाना सुना होगा, मूवी आई थी राजेश खन्ना की, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है ना। वो उसमें शर्मिला टैगोर तो बैठी होती है रेलगाड़ी में और राजेश खन्ना हमारी तरह कार चला रहा होता है, तो जितने प्लॉट है ये तो शर्मिला टैगोर है और हम दिलवाने वाले राजेश खन्ना है। ये वो है जो सप्लाई दे रहे हैं रेलवे ट्रैक को, देख लो दुनिया वालों। देखो अगर आपको, बल्कि मैं इन्वेस्टमेंट शब्द नहीं यूज करूंगा, इन्वेस्टमेंट शब्द वो होता है कि आज माल खरीदो शाम को बेच सको। सर ये रास्ता कितना है? यही तो सर गेम है, ये रास्ता 60 मीटर है सर। जब लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तभी तो डिमार्क करते हैं, पहले कहाँ करते हैं। अच्छा लोहो जी, ये लाल लाल आपको लोहा दिख रहा होगा हरे हरे रंग का, जिसमें जंक लगी है, ये सारी जेपी जेपी की लैंड है। तो जेपी बीच में जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये कंगला हो गया था तो इसने कुछ लैंड अपनी गोड को बेच दी। गोड अपना यूपी का पंडित था, तो जेपी वाले भी पंडित 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 भाई भाई, उन्होंने अपना माल गोड को बेच दिया, गोड ने गोड सिटी काट दी, ठीक है जी। तो ये सारा जो एरिया है आप देख रहे हैं दूर दूर तक फैला हुआ, ये यमुना है। 18 सेक्टर का जे ब्लॉक, हाँ 18 सेक्टर का जे ब्लॉक, कहीं भी डिमार्केशन नहीं है। आगे दो चार बुलडोजर घूम रहे हैं, उसका दिखाते हैं, बिजली के खम्भे खुम्भे खड़े हैं, कुछ लाल पीली गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं प्लाट देखने के लिए। यहाँ पे लोग खड़े हैं वहीं गाड़ी रोक लेना, एक सीनियर सिटीजन है उनसे बात कर लेंगे। यहाँ पे कुछ डिमार्केशन के दंडू से तो लगाए आगे, आगे ये लग गए ना डिमार्केशन, ये ना अमेरिका में जब आदमी को मार के गाड़ते हैं ना तो उसके ऊपर लगाते हैं, तो ये वही है डिमार्केशन। क्या हुआ जी? वही बोला ना, वही चर्च का वो दे दिया कि नीचे कब्र है, इनकी ले लो। चलो जी उतरो जी। देखो ये दुनिया वालों, 10 साल हो गए अभी तक डीमार्केशन नहीं हुई है। ये अमेरिका में जब किसी लाश को दफनाते हैं तो ऐसे डुंडू से लगा देते हैं, ईसा मसीह का चिन्ह तो लगा दिए इन्होंने पर नंबर संबर नहीं लिखे। और ये देखिए सर, एक चीज बताइए, जैसे सर आप इतनी दूर से आए हैं, आप अपने प्लॉट को कैसे ढूंढोगे है अग्रवाल जी? जैसे कोई, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ तो क्या तरीका है प्लॉट ढूंढने का? तरीका कुछ नहीं है, डीलर ही है एक तरीका की, डीलर के पास जाइए उसके बाद मैप होगा वो पहुँचा देगा। नहीं मैप से भी चल रहा है, 20,000 रुपये मीटर, 20,000 25,000 लोकेशन के हिसाब से। जे ब्लॉक में कैसे चलता है, अथॉरिटी उसको क्लियर नहीं कर पाई, कोई कोर्ट में चला गया तो उससे लग गया, उसकी रजिस्ट्री भी है। बिल्कुल, अब अथॉरिटी जब मैनेज नहीं कर पाई तो उन्होंने आपका प्लॉट शिफ्ट कर दिया। प्लॉट शिफ्ट कर दिया तो उसका जो भी चिप रहे सर, चिप रहे प्लॉट मैडम के नाम है तो सर चिप रहे। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो वैसे आया हूँ ड्राइवर बन के आया हूँ। देखो दुनिया वालों, ये फरीदाबाद से आए हैं, HR 51 नंबर, 3,000 का डीजल फूक गया, अभी तक प्लॉट नहीं मिला, यमुना की तो ये कहानी है। रूबी जी क्या चक्कर है, नंबर नंबर कुछ लिखे नहीं यहाँ पे तो? कौन सा नंबर है प्लॉट में? सीए साहब, वकील साहब बताओ कैसे करें? सर कुछ नहीं, वेट एंड वॉच करो, अब हाँ आपने पैसे लगाए हैं तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पैसे अपने ऐसे तो डाल लिए। 10 साल हो गए मैडम, 4 साल के 10 साल हो गए जी, 10 साल वेट कर लिया ना, 3 साल और करो। चलो 3 साल और करते हैं। सर आपका कितना मीटर है? 4,000 मीटर होगा, अब तो बहुत मीर लग रहे हो शक्ल से। शाबाश, मार दिया छक्का जी, मारदा छक्का जी। ये कहते अभी तक किलोमीटर जी लैने, थोड़ा बड़ा जगह लैने नहीं, एकड़ एकड़ डीमरी साहब, एकड़ की क्या मेजरमेंट है? एक एकड़ में 4,840 गज, एक एकड़ जी 4,840 गज। अच्छा एकड़ मतलब इंडियन लैंग्वेज है, इंग्लिश में हेक्टेयर बोलते हैं ना? डिफरेंट है, नहीं इंग्लिश में तो ये इंटरनेशनल हेक्टेयर चलता है, 4,000 मीटर। हेक्टेयर में हुआ 10,000 मीटर, 1 हेक्टेयर। रूबी जी बस योगा मत करो, घर जाके करना जी। अच्छा,
देखो जी, लोग बेचारे संडे को टाइम निकाल के आते हैं, पर यहाँ पे अभी कुछ तैयारी नहीं है। सेक्टर 18 में भी तैयारी नहीं है। हमने तो बनाना है। हाँ जी, बनाओ जी बनाओ। सेक्टर 18 के नज़ारे हैं दुनिया वालों, कोई आपको बहकाए फुसलाए ले लो तो एक्चुअल में माहौल देख लो। अभी यहाँ कुछ नहीं है, बस सड़क बनी है, सीवरेज डल गया, अभी बाकी सुविधाएं आनी बाकी हैं। बल्कि हमारी प्रेडिक्शन है कि इसे पूरे बसने में 20 साल, 10 साल में कुछ कुछ लोग आएंगे, फिर और लोग आएंगे, तो 20 साल लगेंगे इसको बसने में। क्योंकि ये तो एक्सप्रेस वे के पास वाले एरिया में ये हाल है, तो बाकी का तो क्या हाल होगा जी। अब तो लोग डीजल ही फूक रहे हैं गाड़ियाँ ले लेके इस एरिया में, मिल कुछ नहीं रहा है। डीमरी सर 20 साल लगेंगे इसे तो, मुझे लग रहा है पूरा। हाँ जी टाइम लगेगा। हाँ ना जी, कम 10 साल, 10 साल लेके चलेंगे। आपकी वैल्यू ज्यादा है, जे ब्लॉक की वैल्यू ज्यादा है इस टाइम, क्योंकि ये लग गए प्लॉट मौके पे। सर एक्सप्रेस वे के साथ वालों में अभी इतना काम नहीं हुआ है, तो ये तो बसने में तो बहुत टाइम लगेगा जी। जैसे ग्रेटर नोएडा पूरा बस चुका है, वेल स्टेब्लिश है। पॉलिटिक्स चलती रही 2009 से लेके अब 14 तक, 14 के बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ। अच्छा, ये सारे गड्ढे थे, यहीं की मिट्टी निकाल के ये सारा रोड बनाया था जेपी ने। अच्छा, अब इनको दोबारा भरना पड़ा। इतने गहरे गहरे गड्ढे थे, देखो सामने कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। जेपी की मालकिन चली गई ना मायावती। हाँ, जेपी की मालकिन तो मायावती की वजह से क्या हुआ, अब डेवलप करने में टाइम लगेगा। यमुना में एक पंगे का कारण हो रहा है कि यहाँ की मिट्टी चोरी हो गई। यहाँ की मिट्टी चोरी होने से ये एरिया में तरक्की रुक गई। ये देखिए 20 फुट गहरे खड्डे हैं यहाँ पे, इतनी मिट्टी चोरी करके पता नहीं कौन ले गया, प्लाटों की मिट्टी चोरी होगी जिससे यहाँ विकास रुक गया। 20 फुट का गैप है सड़क से। अब ये मिट्टी डालने में करोड़ों रुपए का खर्चा है। ठीक है जी, ये देखिए सारे परेशान है जी, मेरा प्लाट दे दो, मेरा प्लाट कहाँ है, मेरा प्लाट दे दो, मेरा प्लाट कहाँ है। मैडम मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये डंडा सा लगा रखा है, मेरा प्लाट तो है ही नहीं, मैडम कुछ करो। देखो जी ये नक्शा सेक्टर 18 का है, ये सारा बताया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अंग्रेजी सीखनी हो तो यहाँ आ जाओ, और यहाँ पे माल बेचना हो या माल खरीदना हो दोनों काम होते हैं। और जो बीड़ी बीड़ी पीता हो तो कोने में बीड़ी सिगरेट का इंतजाम है, पहले सुट्टा मारो, दिमाग सेट करो, उसके बाद डीलरों से बात करो। हाँ भाई तुम बेचते हो या खरीदते हो, दोनों काम करते हैं। अच्छा भाई साहब, मान लो मेरे पास 200 मीटर 300 मीटर का माल है, कोने का क्या रेट में ले लोगे? अच्छा, और मुझे अंदर लेना हो गरीबों वाला बिल्कुल गंदा प्लॉट 65 का। देखो दुनिया वालों 10 लाख का अंतर है, कूड़ा लोगे तो 65 का, हीरे मोती दोगे तो 75 के। अब ये कूड़े का और पता कैसे चलता है मैं आपको समझाता हूँ उंगली लगा के। ये देखो ये मैंने उंगली लगाई, ये तो है सोना चांदी हीरे मोती, और ये अंदर कूड़ा है। यहाँ औरतें लड़ाई करेंगी, तेरी माँ की, तेरी बहन की। तो कोने वाला लेना, अंदर नहीं लेना, याद रखना। ठीक है दुनिया वालों, कहीं फंस जाओ अंदर लेके, क्यों भाई सही कह रहा हूँ ना, कोने में आराम से बैठो, खाओ पियो, मौज मारो, असल अंदर मोहल्ले वाली बात हो जाएगी, चिल्लम चिल्ला होगी। देखो जी कोई भी मदद चाहिए, भाई साहब बैठे हैं, डीलर बैठे हैं जी, यहाँ आ जाओ, इनकी मदद ले लो, प्लाट खरीद लो, बेच लो। भाई जी राम राम। अब बेचते हो या खरीदते हो? दोनों काम करते हैं। देखो जी, हाँ जी ये पूरी मदद करते हैं जी, ये है दशक बैठे हैं जी यहाँ पे, तो इनकी कोई मदद लेनी हो तो मदद ले सकते हैं जी, दक्ष वाले भाई साहब हैं। तो भी अपना कार्ड भी दे दो भाई साहब को जी। देखो जी हम आपके लिए पसीना बहा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, हम आए हैं आपको दिखाने के लिए सेक्टर 18 की ग्राउंड रिपोर्ट। देखो लोग परेशान हैं, प्लॉट नहीं मिल रहे, मेरा घर कौन सा है, मेरा घर कौन सा है, लोगों को यह नंबर ही नहीं लगे हुए। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है ना? प्रचार ऐसा बना दिया, शमशान घाट बनाओ, क्रॉस लगा दिए सारे। शमशान घाट नहीं, वो सर ईदगाह ऊपर ठोक देते ना, ईसा मसीह वाला डंडा लगा देते हैं सर। विदेशों में भी इसलिए लिया, प्लाट नंबर लिखेंगे, लिख दो, लिख देते क्रॉस बना बना के लिखेंगे। नहीं लोग डर गए ना जी, उन्होंने सोचा शायद ये शमशान घाट है, वो डर गए कुछ लोग बेचारे कि कबरे खुद ही हैं, वो कोरोना में लोग मरे होंगे ना शायद, वो गाड़े हों वहाँ पे। दे दीजिए जी, कोई भी मदद चाहिए वो लीगल में आप हमसे मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पे हम लोगों को समझाते रहते हैं क्या करो क्या ना करो। ठीक है जी, देखो दुनिया वालों कोरोना का कच्चा टंगा हुआ है यहाँ पे, कोरोना आंटी कहाँ कहाँ पहुँच गई है, गाँव में भी पहुँच गई है। देखो दुनिया वालों कच्चा लगा के रहा करो, बच जाओगे नहीं तो मारे जाओगे। तो ये देखो दुनिया। अच्छा भाई साहब पीछे नदी जाती है, ये क्या है? बारिश का पानी। अच्छा,
देखो भैया किसी को प्लाट ना मिले तो यहाँ चुल्लू भर पानी में आके डूब मरो, ये सुविधा भी है। टेंशन नहीं लेनी, पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, पूरा मौज बाहर का माहौल है, पूरा सुनसान है, ठीक है जी। तो खूब मौज बाहर है, आओ मौज करो, खूब पानी है नहाने दोनों को, मरने की ज़रूरत नहीं है जी, नहाए दो अच्छे से नहाए दो। तो ये है यमुना की सेक्टर 18 की ग्राउंड रिपोर्ट, यहाँ पे लोग आ रहे हैं ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, परेशान है। आप भी आइए ढूंढिए करिए, सेक्टर 18 तंबू लगे हुए हैं, खरीद बिक्री की बातचीत चलती रहती है डीलरों के साथ। मैं आपका दोस्त शशिभूषण गर्ग, साथ में रूबी जी और डिमरी जी और हमारे साथ अग्रवाल भाई, वो आपके लिए जानकारी लेके आए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।